नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर नीता शाह, आयुष आई क्लिनिक और आयुष लेसिक सेंटर से। आज हम बात करेंगे कि हमारी आँखों की संभाल कैसे करनी है रोज या डे टू डे बेसिस पे। उसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आँखों का तनाव या आई स्ट्रेन क्या है, हम क्या महसूस करते हैं उस टाइम, उस वक्त। आँखों का तनाव जब होता है तब या तो सिर्फ एक चुभन, जलन, आँखों में बेचैनी, थकान होता है, या अगर ज़्यादा हो तो आंखें लाल हो जाती है, बहुत सिर दर्द होने लगता है, आंखें बंद करके बैठने का मन करता है। ये सब निशानियां हैं कि आंखों में तनाव हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, जिसके लिए आंखों की चेकअप या इलाज ज़रूरी है। अब हम क्या करें जिससे हमारे रोज़ के जीवन में, काम में हमें ये ना हो। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आँखों को रिलैक्स करें। ज़्यादा आँखों का काम करने के बाद थोड़े वक्त के लिए आँख बंद कर दें। बीच बीच में रेगुलरली पलक झपकाते रहें, नहीं तो कभी कभी आँखें तान के देखते रह जाते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हमारी आँख सूख रही है, पलक झपक नहीं रही है। एक रूल बनाया है जिसको 20-20-20 रूल बोलते हैं, या 20-20-20। 20 मिनट कंप्यूटर पे या आँखों का काम लगातार करने के बाद एक 20 मिनट का ब्रेक होता है। वो ब्रेक मतलब ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल देखने लगे, वो ब्रेक में हम 20 फुट की दूरी की चीज़ें देखें, भले खिड़की के बाहर देखें, और फिर बाद में वापस हम 20 मिनट काम करें। ये खास करके उन लोगों के लिए है जैसे जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, या जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पूरा दिन काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, ना वो काम छोड़ सकते हैं उस वक्त के लिए, ना वो जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आँख को रिलैक्स करना है तो उस टाइम पे ये 20-20-20 रूल बहुत काम आता है। जब वक्त मिले थोड़े टाइम के लिए आंखें बंद कर लें, या आंखों के मसल्स इधर उधर घुमा के रिलैक्स कर लें कि एक ही जगह ना देखते रहें। अगर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे जिसमें हमको पुस्तक को भी देखना है, तो हम कोशिश करें कि पुस्तक और कंप्यूटर की दूरी नज़दीक हो, जैसे यहाँ पुस्तक हो और यहाँ कंप्यूटर हो, जिससे कि एकदम करीब देखो दूर देखो ऐसे कंटिन्यूस ना करना पड़े, क्योंकि ये कंटिन्यूस फोकसिंग की वजह से हमारी आँखें ज़्यादा थक जाती है और ज़्यादा तनाव महसूस होने लगता है उसकी वजह से। जो कमरे का वातावरण है, अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो पूरा अंधेरे में ना होना चाहिए, और लाइट भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आँख पे स्ट्रेन फील होता है। जो भी चश्मा पहन रहे हैं लगातार सही वक्त पे चेकअप करके जानना ज़रूरी है कि नंबर करेक्ट है, सही है, और वो ठीक तरीके से वो उसको पहन रहे हैं। कुछ चीज़ों से आँखों को तकलीफ़ होती है, जैसे कि काजल और सुरमा, कुछ चीज़ परफ्यूम वगैरह से आँख को एलर्जी भी हो सकती है, तो काजल और सुरमा तो नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए आँखों में। अगर करना है तो आईलाइनर जो कि गीला रहता है वो ऊपर की पलक में लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वो आँख के अंदर नहीं जाता। कभी कभार आँख का मेकअप कर लिया तो चलता है, बाकी रोज़ाना करने से आँख को ज़रूर तकलीफ़ होती है। अगर चेहरे पे पाउडर लगाते हैं तो आँख के लिए तो वो धूल है। कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं वो भी जानना ज़रूरी है कि वो हमारी चमड़ी के लिए अच्छा रहे, क्योंकि अगर आँखों की चमड़ी को वो
उसकी वजह से सूजन हुई तो आँख को तकलीफ़ ज़रूर होगी। खाने की कुछ चीज़ें हैं जो आँख के लिए अच्छी है, जैसे कि हरी सब्ज़ियाँ, रंगीन फल सब्ज़ी जैसे कि गाजर, आम, ये सब में वो विटामिन्स हैं जो आँख के लिए अच्छे हैं। कुछ चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, जैसे दारू, तंबाकू और सिगरेट, जो आगे चल के आँखों की नज़र को कम कर देता है और फिर वो नज़र वापस लौट के नहीं आती। इसका इस्तेमाल ना करें तो आँखों के लिए बेहतर रहता है। बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त पे कम से कम साल में एक बार आँखों की जांच आप कराएं, जिससे कि अगर आँख में कोई भी खराबी हो उसका तुरंत इलाज हो जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीता शाह, आयुष आई क्लिनिक, चिंबूर से।